कंगना रनावत अपनी फिल्म मणिकर्णिका द क्यून ऑफ झांसी की वजह से खबरों में छाई हुई है। मणिकर्णिका से बतौर डायरेक्टर बन नई पारी शुरू करके कंगना ने खुद को बड़े पर्दे की क्वीन साबित कर दिया। आज कंगना 32 साल की हो गई हैं और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जी आपको बताना चाहेंगे, कंगना रनावत हिमाचल के छोटे से गांव में जन्मी कंगना ने बॉलीवुड में अपने दम पर मुकाम हासिल किया। कंगना ने 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ अपने सपनों की नगरी मुंबई आ गई। महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर से कंगना रनावत को पहला ब्रेक मिला और इसी फिल्म के लिए कंगना ने अवार्ड भी जीता। एक इंटरव्यू में कंगना ने बताया कि महेश भट्ट के ऑफर्स में मोहित सूरी और अनुराग बासु से मेरी मुलाकात हुई। उस वक्त गैंगस्टर के लिए ऑडिशंस हो था। मैंने ऑडिशन तो दिया लेकिन मेरी कम उम्र की वजह से महेश भट्ट ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिल्म के लिए शाइनी आहूजा और चित्रगंधा सिंह को कास्ट किया गया। जी हाँ, तकरीबन 2 महीने बाद एक दिन अनुराग ने फ़ोन करके कंगना को शूटिंग पर आने के लिए कहा, क्योंकि चित्रगंधा किसी पर्सनल रीजन से फिल्म छोड़ चुकी थी। अनुराग का मानना था कि मैं गैंगस्टर की स्टोरी के लिए परफेक्ट हूँ, इस तरह मुझे पहली फिल्म मिली। वेल बताना चाहेंगे, कंगना ने फैशन 2019 जो कि 2009 में रिलीज हुई, क्वीन जो कि 2014 और तनु वर्ष मनु जो कि 2015 जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी है। उन्हें अपना पहला अवार्ड काफ़ी कम उम्र में ही मिल गया था। कंगना को 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कंगना पिछले 10 दिनों से कोयम्बटूर में स्पेशल मेडिसिंस कर रही हैं। कंगना ने अपने इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए 10 दिन का मौन रखा था। बता दें कि पिछले साल कंगना ने अपने नए घर में फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था और 31 पौधे भी लगाए थे। जी हाँ, कंगना हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भवला में जन्मी थी। कंगना की माँ टीचर और उनके पिताजी बिजनेसमैन थे। कंगना दादाजी नेता थे और इस वजह से उनके घर के माहौल में राजनीति का रंग भी था। कंगना ने बॉलीवुड में आने के लिए घर में पिता से झगड़ा किया, समाज से लड़ी और एक लंबे संघर्ष के बाद आज वो बॉलीवुड की हाई एक्ट पेड एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगना अपनी एक फिल्म के लिए करीबन 11 करोड़ रुपये लेती हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।